हाय एवरीवन, तो आज की वीडियो में आपको दिल्ली से कैंची धाम का रास्ता दिखाने वाले हैं और कैंची धाम पहुंचेंगे और वहां पे भी एक दो जगहों पे विजिट करेंगे, वो भी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। प्लस एक नया रास्ता बन चुका है, सहारनपुर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा था तो वो आधा बन चुका है, तो वो नया रूट कैसा है वो भी हम आपको अपनी वीडियो में अपनी वीडियो में दिखाएंगे, तो हमारी वीडियो में बने रहिए। और आज हम जा रहे हैं अपने दो दो चाचाओं के साथ, एक चाचा जो कैमरा पकड़ के बैठे हैं और एक चाचा हमारे पीछे बैठे हैं, तो चलिए चलते हैं। तो ये हमने एक्सप्रेसवे ले लिया है और हम लेफ्ट मुड़ चुके हैं, रास्ता बिल्कुल सीधा जा रहा है, तो आपको सीधा नहीं जाना, लेफ्ट जाना। कैमरामैन आगे दिखाओ, आगे से लोग जा रहे हैं। शुक्रिया। लेफ्ट 8 किलोमीटर। तो ये आपका मुरादाबाद एक्सप्रेसवे, और शुरू में मैंने वीडियो में गलत बोल दिया कि देहरादून एक्सप्रेसवे पड़ेगा, क्योंकि मैंने पिछली बार वो लिया था, बट वो रूट नहीं है, ये वाला रूट है। और इस रूट पे आपको काफी सारे ढाबे और खाने के ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आप लोग अगर कैंची धाम ट्रैवल कर रहे हैं तो कृपया करके इसी रूट से ट्रैवल करें। तो हमने गजरौला हाईवे क्रॉस किया है और दूसरा टोल बूथ आ चुका है, और रास्ते पर ढाबे काफ़ी सारे थे, तो ऐसा नहीं है आपको रास्ते में खाने पीने की कोई दिक्कत आएगी, आप कहीं भी रुक के खा सकते हैं। और काफ़ी फेमस ढाबे हैं जो मोस्टली आपको मूर्थल वाली रोड पर मिल जाते हैं। टोल बहुत महंगे पड़ रहे हैं, अभी तक पहला टोल 135 रुपये का पड़ा था, अभी हमारा दूसरा टोल है। गाड़ी का ड्राइवर चेंज हो चुका है और ये भाई साहब सिर्फ एवरेज निकालने पे लगे हुए हैं। मैंने इन्हें 16.5 पे दी थी, तूने 5 मिनट में 16.7 कर दी है, और 20 का टारगेट लेके चल रहे हैं। सर वैभव, 20 का टारगेट भाई, 21 तो निकाली रहेगी गाड़ी। तो ये एवरेज के हिसाब से गाड़ी चलाते हैं और हम रेस के हिसाब से चला रहे होते हैं, बट देखते हैं टाइम का भी कितना फ़र्क आएगा। और अभी हम कहाँ पर हैं भाई, पता है? मुरादाबाद क्रॉस करें, मुरादाबाद से अभी भी हम पहले हैं, तो 9:30 बज चुके हैं, यानी कि हमें 2 घंटे हो गए निकले हुए। स्पीड और टाइम के हिसाब से अभी तक हम ठीक हैं, और हमारा एक बहुत ही अच्छा फेवरेट स्पॉट आने वाला है खाने का, मतलब मेरा, और ये लोग भी ट्राई करेंगे अगर इनका मन हुआ तो, और उस खाने का रिव्यू हम आपको देंगे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो। वहाँ खा सकते हैं कि नहीं? खाएंगे, खाएंगे, शायद हमारा फेवरेट हो जाए, वो टेस्ट करके बता सकते। गाना पहले बंद कर लेना चाहिए था, वो उसकी वजह नहीं, अगर बोल रहे हो ना तो कैच नहीं कर पा। तो हमने यहाँ से लेफ्ट लिया है काशीपुर वाली रोड पे, और काशीपुर 52, नैनीताल 132 किलोमीटर। ये थोड़ा सा पैच कंजेस्टेड था, बट इतना नहीं, हाईवे के मुकाबले था, वैसे रोड ठीक है। यहाँ पे भी जोमेटो की डिलीवरी चालू है, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे जोमेटो से खाना ऑर्डर कर सकते हैं क्या भाई? भोजपुर में यहाँ जोमेटो चालू है भाई? जोमेटो चालू नहीं है, जोमेटो वाला यहाँ पे रहता है, जोमेटो वाला चालू है। गांव का रास्ता है, पर रास्ता अभी तक ठीक है, शुरू में थोड़ा कंजेस्टेड था बट फिर से रूट ठीक हो गया है, बट हमें हाईवे से जाना चाहिए था शायद। है वैभव? कोई नहीं भाई, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा टाइम। और देखो, जैसे एवरेज की बात हम कर रहे थे, तो भाई साहब ने 17.3 की एवरेज निकाल दी अभी तक, तो हम गाड़ी टाइम नहीं, सॉरी हमारा रास्ता टाइम नहीं, एवरेज के हिसाब से चल रहा है। एवरेज और टाइम दोनों के हिसाब से अच्छा। ओके, अच्छा मौसम, हाँ मौसम अच्छा है। ये हम लोग भोजपुर रोड पे हैं, सीधा रास्ता रामनगर नैनीताल निकलता है, काशीपुर निकलता है, राइट भी एक रास्ता जाता है, बट मैप हमें आगे से जाने को कह रहा है, तो हमने आगे वाला रूट लिया है। तो इतनी मुश्किलों से हम गांवों में से निकल के अब जाके हाईवे पे आए हैं, और हमें जिस जगह पे खाना खाने जाना है वो 5 मिनट दूर है, वहाँ भी हम 5 मिनट में पहुँच जाएंगे, बट आप लोग ये गलती ना करें, हमें करनी पड़ी क्योंकि हमारी कुछ मजबूरियाँ थी। तो पिछली बार जब हम यहाँ पे आए थे तो बारिश थी, और इस बार भी बारिश होके ख़त्म हुई है, और बस जा रहे हैं अंदर। और दो लोग नए हैं मेरे साथ इस बार इस ट्रिप पे, पिछली बार वाले लोग नहीं हैं, और देखेंगे इन लोगों को यहाँ पे खाना पसंद आता है कि नहीं आता। जगह अच्छी है, लोकेशन अच्छी है, वॉशरूम भी यहाँ पर साफ़ है, अगर आप आ रहे हो लेडीज़ वगैरह के साथ, फैमिली के साथ, तो आप लोग यहाँ पर वॉशरूम भी यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली ज़्यादातर लोगों को दिक्कत होती है वॉशरूम साफ़ नहीं है, तो यहाँ आपको वो फैसिलिटी मिल जाएगी। ये था मेरा ड्राइवर जो एवरेज निकालता हुआ आया है, कितना खुश लग रहा है, कितनी निकाल ली? 18.3
16.5 से 18.3 20 करके मानेगा ना? 20-22 की तो निकलनी चाहिए। चलिए अंदर चलते हैं। ये है इनका मेन्यू और अभी हमने ऑर्डर करा है अमृतसरी कुलचा और छोले भटूरे। रेट इनकी ठीक है, रेट ज़्यादा नहीं है और वैरायटी बहुत है। ऐसा नहीं है कि दो चार आइटम ही हो यहाँ पे। ओके ख़त्म। देखते हैं अगर हमारा दो आइटमों में काम चल गया तो वही खाएंगे, अगर कुछ और मन करा तो हम लोग वो भी ऑर्डर करेंगे। सही ला रहा हूँ। तो ये हमारे छोले भटूरे और कुलचा आ गया। पहले हम इन दो लोगों से फीडबैक लेंगे। खाओ भाई। क्या फीडबैक दो? तू बताएगा ना मुझे तो देगा। नहीं नहीं तुम बताओगे। हमें नहीं पता, हमें तो बढ़िया लगता है। पिछली बार वाला टेस्ट है अलग। हाँ बढ़िया लग रहा है, देखने में तो बढ़िया लग रहा है, बाकी स्वाद बताएगा। दीजिए चार लीजिए आप। दमाद जी को सर्व नहीं करते घर पे। अच्छा है कुलचा, गुड। आपको कैसा लगा? काफ़ी अच्छा। तो ये जगह हुई पास तो आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो यार ये इनका वॉशरूम, मैं जैसा कि कह रहा था एकदम साफ सुथरा, देख रहे हो वॉशरूम भी क्लीन मिल जाता है आप लोगों को कई बार अगर आप लोग कहीं जा रहे हो तो। और ग्रीनरी भी अच्छी खासी है, रोड चौड़ी है बिल्कुल, हाईवे पे ढाबा, ऐसा नहीं है कि आपको इधर उधर कहीं अंदर जाने की ज़रूरत पड़ेगी। और खाना तो आपको पता ही अच्छा था। और अभी जा रहा हूँ अंदर और आपको बिल भी बताता हूँ बिल कितने का आया। आप बिल पे करके आए, बिल कितना आया था? 600 रुपये बस। चार आइटम खाने की, एक फ्रेश लाइम सोडा, बिल तो ठीक था ना? हाँ सस्ता था, क्वालिटी अच्छी थी। हाईवे पे ऐसी क्वालिटी मिलना मुश्किल है। ट्रू। तो चलिए अब हम निकलते हैं। अब कहाँ जाएंगे? हल्द्वानी होते हुए। हल्द्वानी होते हुए कैंची धाम। हल्द्वानी होते हुए हम कैंची धाम निकलेंगे इसी हाईवे से। तो भाई हम लोग हल्द्वानी पहुँच चुके हैं। मैं सो गया था, सर ने हमें पहुंचा दिया। 19 की एवरेज भी निकाल दी, कमाल हो गया। मुबारकबाद दे रहा हूँ तुम्हें। मुझे लगा और कुछ बोलेगा। नहीं मैं बोल नहीं पा रहा, नींद हो रहा है। हाँ वही तो, कहाँ है भैया वो? लेफ्ट नंदा एक्साट, राइट बरेली। लेफ्ट मुड़ के आएगा। ये है जी कोसी, सॉरी सूखी नदी। पानी होता था यहाँ सूख गया और अब यहाँ से पहाड़ स्टार्ट होने वाले हैं और अब मैं ड्राइव करूँगा और थोड़ा थोड़ा आपको कंटेंट दिखाता रहूँगा पहाड़ों का भी। फिर वो रजिस्ट्री कराने आए। ये आ गया है घाट गोदाम और यहाँ भी नदी सूखी और एक कंजेस्टेड सा ब्रिज हम क्रॉस कर रहे हैं। पुराना पुल जब आप लोग इस चौक पे पहुंच जाएं तो आप लोगों को राइट मुड़ना है नैनीताल और भीमताल के लिए, लेफ्ट ना जाएं। बोलो बोलो, मैं ऐसे तुम्हें तो नहीं मारूंगा। तो हम इतनी हाइट पे तो आ चुके हैं कि भीमताला 5 किलोमीटर रह गया है और कैंची धाम उससे बस थोड़ा ही आगे। आई होप अभी तक आप लोगों को वीडियो ठीक लग रही होगी, चेहरे हमारे एकदम चमक गए हैं। तुम देखो ये पीछे से मेरा चाचा ऐसी हरकतें कर रहा है। पर चाचा हो कि तुम ऐसी हरकतें करोगे तो लोग क्या कहेंगे? गाड़ी के एवरेज कमेंट करे जा रहे हैं। हाँ मैंने 18.3 कर दी है। अरे इन भाई का तो इंट्रो हुआ ही नहीं वीडियो में। यार भैया अपनी तारीफ तो बताओ। तारीफ है ही नहीं। तारीफ है, तारीफ तो लोग करते हैं, हम क्या करें। अच्छा आप आए कहाँ से हो? मैं अभी मिर्जापुर। ये मिर्जापुर से आए हैं कैंची धाम जाने के लिए, दर्शन करने के लिए। रात को कितने बजे निकले थे? 12 बजे। रात को 12 बजे निकले थे और सुबह 2:55 और अब दोपहर के 2:20 हो रहे हैं, लेकिन 14 घंटे से ज्यादा ट्रैवल कर चुके भाई। इतना तो अंधेरे में नहीं हो पाता और शक्ल एक्टिव है, हमसे ज्यादा चमक रहे हैं इस वक्त ये। तो हम लोग भीमताल तो पहुंच ही चुके हैं, आप लोगों को लेक दिखाई दे रही होगी, कुछ बताने वाली बात नहीं है, दिख ही रही है।
तो ये हम अपने कैची धाम के रास्ते पे हैं और अभी एक घंटा दिखा रहा है, जबकि हार्डली 20 मिनट का रास्ता है, लेकिन जाम इतना है कि पूछिए मत। और जबकि शाम होने वाली है, बट हाँ दिन शनिवार है, वीकेंड है, तो लोग काफ़ी जा रहे हैं। मंदिर से 5 किलोमीटर दूर है और 1 घंटे का जाम है। मैं कह रहा था आप लोगों को शनिवार है, तो देखा तो कितने किलोमीटर का। जैसा कि आप लोग देखते आ रहे हो, इतनी भीड़ है, इतना ट्रैफिक है और मंदिर बंद होने का टाइम हो चुका है। तो हमारे 2 लोग गाड़ी में और बाकी 2 लोग अब दर्शन करने जा रहे हैं। जब हम 2 कर लेंगे तो हम गाड़ी में आके बैठ जाएंगे, क्योंकि आगे पार्किंग की बहुत दिक्कत है। तो अब हम जा रहे हैं भागते हुए, 5:45 हो चुके हैं और आधे घंटे में गेट एंट्री बंद हो जाएगी। तो मैं तो पैदल पैदल आ गया। गाड़ी की पार्किंग एक यहाँ पर है, काफ़ी बड़ी पार्किंग बना रखी है, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पार्किंग के लिए भी जाम लगा हुआ है। और मेरे 2 साथी अभी पीछे ही है कहीं, अभी नहीं पता पीछे कहाँ पर है, बट हाँ पैदल आके मैंने सही डिसीज़न लिया, क्योंकि अंदर तो पता नहीं कब नंबर आएगा। यहाँ काफ़ी सारे रेस्टोरेंट और ज़्यादा खुल चुके हैं पिछली बार के मुकाबले। एक केसरी खुल गया है, एक चूल्हा किचन खुल गया है, मतलब खाने की वैरायटी यहाँ पे खुलती जा रही है। पिछली बार 1-2 रेस्टोरेंट थे और कुछ ढाबे थे, बट यहाँ और भी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट बन गए हैं। यहाँ पे प्रसाद वगैरह भी है, यहाँ भी एक इंडियन चाइनीज रेस्टोरेंट खुला हुआ है, कंबल वगैरह भी मिल रहा है। और आगे है हमारा मंदिर का द्वार। तो ये हम मंदिर पहुंच गए और भीड़ आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है, अंदर तक लाइन लगी हुई दर्शन करने के लिए, और यहाँ तक गाड़ियाँ आ रखी हैं। तो आगे भी छोटी सी पार्किंग है, बट शनिवार के दिन तो मत ही आओ भाई, आओ तो टाइम निकाल के आओ, वरना दर्शन कब होंगे कुछ नहीं पता। आप लोग देख सकते, चप्पल तो बहुत रहेंगी ना, नहीं उतार दो ऊपर से। तो आप लोगों को फाइनली दर्शन मैंने कराई दिए और मैंने भी कर ही लिया, बहुत मेहनत करके पहुंचे यार आज तो, जाम प्लस पैदल भागना। तो अंदर कैमरा अलाउड नहीं, जैसा कि आपको सबको पता ही है, तो मैंने दर्शन कर लिए अच्छे से, आप लोगों को मैं बाहर से ही करा पाया। बट अंदर काफ़ी कुछ सिस्टमेटिक हो गया, अब अगर भीड़ भी है तो उन्होंने काफ़ी सारे क्यू के लिए पोल्स बनाए हुए हैं, तो आपको इतनी कोई भीड़ या इतनी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो अगर आप लोग मंदिर आए हैं तो यार इन्होंने ये जूते रखने का स्टैंड एकदम बाहर बना दिया है, अंदर उस गेट से एंट्री है ही नहीं जूते पहन के, तो आपको जूते यहाँ उतारने हैं, उसके बाद ही आप लोग अंदर जा सकते हो मंदिर के, वरना और कोई दूसरा रास्ता नहीं अंदर नहीं जाने के लिए। और बस खाने पीने का तो यहाँ काफ़ी कुछ खुल ही गया है, और अगर टाइम बचा तो हम एक जगह और जाएंगे, और अगर ये वीडियो कंटिन्यू नहीं होती है तो ये वाला ब्लॉग यहीं ख़त्म हो गया। हम लोग उसके बाद एक और मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं, जिसकी बहुत मान्यता है, जहाँ पे मैंने सुना है बड़े बड़े जो भी कोई कोर्ट केस होते हैं किसी के, जो पेंडिंग होते चल रहे होते कुछ भी होता है, तो वहाँ पर मनोकामनाएँ मांगी जाती है, घंटी वाला मंदिर एक तरीके से। तो हम वहाँ जा रहे हैं, वो दिखाएँगे, और वो तो अगली वीडियो में दिखाएंगे। और उससे पहले अगर हम एक घाट पे गए तो वो इसी ब्लॉग में कंटिन्यू रहेगा, वरना तब तक के लिए ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।